स्वागत है आप सभी का शिव डीपी लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रदूषण पर जो है निबंध लिखना एकदम बेहतरीन ढंग से सिखा दिया जाएगा। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपको प्रदूषण पर निबंध लिखना एकदम आने लगेगा। और अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आपको पूरे 9 के 9 नंबर इस वीडियो के बाद जो है मिल जाने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। देखिए, सबसे पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी होगी उसमें एक हेडिंग डालेंगे प्रदूषण। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रदूषण। प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद आप उसके नीचे एक हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। क्या लगाएंगे? प्रस्तावना। आप प्रस्तावना में कितना लिखना है पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो लिखा है पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश से प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। फिर से सुनिए, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश से प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो दूषक पदार्थ हैं, जो दूषित करने वाले पदार्थ हैं, उनके प्रवेश से जो प्राकृतिक संतुलन जो होता है उसमें दोष जो पैदा हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ। प्रदूषण शब्द का अर्थ क्या है? वायु। पर्यावरण में क्या होता है? वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। मतलब हवा में जो है विषैली गैसों का आ जाना, जल में जो है विषैले पदार्थों का मिल जाना और मिट्टी में भी जो है इसी तरह के पदार्थों का मिल जाना, एक्चुअल में क्या बोला जाता है? प्रदूषण। एक बार पूरा यहाँ से यहाँ तक फिर से समझते हैं। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश से प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। और फिर प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला जो मतलब कि यहाँ पर टॉपिक आएगा, हेडिंग जो आप डालोगे वो आपका क्या होगा? प्रदूषण के प्रकार। देखिए, आप यहाँ हेडिंग डालने के बाद ऐसे लिखिए, मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम पहले लिखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। फिर सुन लीजिए, मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के हैं या 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण और चौथा आपका ध्वनि प्रदूषण। अब हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की। ध्यान से देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आने वाली है। लिखा है यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। ये शब्द आप यहाँ पर जो है इसमें ये भी लिख सकते हैं, यह सबसे हानिकारक प्रदूषण है या यह अत्यंत हानिकारक प्रदूषण है। तो ये लाइन आप अपने से लिख सकते हो। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों, जो आपकी इंडस्ट्री है, और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। मतलब वायु प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है, वो उद्योग और वाहन से निकलने वाला धुआं है। आगे, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला जो ओजोन गैस की सुरक्षा चक्र है बुरी तरह से मतलब कि प्रभावित हो रहा है। फिर से सुन लीजिए, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी के ऊपर वाले भाग, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या ऊपर वाला ओजोन गैस का जो सुरक्षा चक्र है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, सॉरी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। एक बार पुनः यहाँ से यहाँ तक समझ लेते हैं। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन का सुरक्षा चक्र बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अब वायु प्रदूषण के बाद हमारा जल प्रदूषण है, इसमें भी आप थोड़ा सा लिखेंगे। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। जो उद्योग अर्थात इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहाँ से और घर से जो कचरा निकलता है वो कई बार नदी में मिलता है और अन्य जल स्रोत जैसे तालाब वगैरह में मिल जाता है। इस जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है, मतलब ये जो कचरा है उन्हें प्रदूषित कर देता है और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तो बस जल प्रदूषण में आप इतना लिख देंगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा अगला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है मृदा प्रदूषण।
तो मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। या मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। मतलब मृदा प्रदूषण जो है मुख्यतः खेती में जो आप कीटनाशक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसके मतलब ज़्यादा उपयोग करने से हो सकता है, या फिर ऐसे पदार्थ जिन्हें मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर मृदा प्रदूषण हो जाता है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से भी मृदा प्रदूषण आपका बढ़ रहा है। एक बार पुनः पूरा सुन लीजिए, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। वायु प्रदूषण हो गया हमारा, जल प्रदूषण हो गया हमारा, मृदा प्रदूषण हो गया हमारा, एक प्रदूषण और बचता है ध्वनि प्रदूषण। तो अब हम ध्वनि प्रदूषण को भी यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक, कि ध्वनि प्रदूषण आपका क्या होता है उसके बारे में भी पूरी बात आपको समझा देते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, देखिए ध्वनि प्रदूषण, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण आप हेडिंग लगाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण जो है वो किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो आपके लिए उपयोगी नहीं है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होता है वहाँ का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का शोर, लाउड स्पीकरों की कर्ण जो भेदक ध्वनि है, ये सब ध्वनि प्रदूषण का क्या है कारण। तो देखिए प्रदूषण के प्रकार लिखने के बाद प्रदूषण कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिलता है। तो क्या दुष्परिणाम है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और ये चीज़ आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए दुष्परिणाम में आप लिखेंगे, प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण ही जो है मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। आप सबको मालूम होगा दिल्ली जैसे शहरों में क्या हालात है, सबको मालूम होगा। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही है। तो ये इसका दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें और अपने से भी सोचकर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस आप इतना ही लिखेंगे, इसके अलावा भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखेंगे तो कम शब्द में पूरी इस जानकारी स्पष्ट हो रही है। अगर कोई हमारे सामने समस्या आएगी, कोई जो है दिक्कत होगी, तो हम उसको सुधारने का भी उपाय ढूंढेंगे। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का जो सुधार है उसका उपाय। तो प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, मतलब हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, मतलब सभी को जागरूक बनाने के बाद ही प्रदूषण कम किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वनों के विनाश को रोकना होगा, जो वनों का इतना अधिक विनाश हो रहा है उसको हमको रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना होगा और सरकार को समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। तो क्या क्या करना होगा प्रदूषण कम करने के लिए, लोगों को जागरूकता मतलब हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, सरकार को समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। तो इतना करने के बाद एक आप हेडिंग और लगाएंगे, ये मैंने जो आपको बनाए आपके मतलब की बोर्ड कॉपी में लगभग 3 पेज तैयार होगा। मैं यहाँ पर जो है बड़े पेज की कॉपी में जो है इसको आपको दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि 2 पेज में ही तैयार हो गया। तो ये आप अगर वहाँ करेंगे लगभग 3-3.5 पेज का बनेगा और आपका पूरा नंबर 9 नंबर मिल जाएगा। उपसंहार लास्ट में लिखते हैं, इसमें क्या लिखा जाएगा, प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। मतलब हर व्यक्ति का स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता, मतलब ये है कि वो व्यक्ति स्वयं प्रदूषण को कम से कम मतलब कि
फैलाए और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और लोगों में स्वयं जागरूकता मतलब उत्पन्न करें, तो ये जो है इस तरह से प्रदूषण को जो है हम रोक सकते हैं। अगर आप इतना लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। ऐसी और वीडियो की इच्छा रखते हैं तो वीडियो में जो है आप कमेंट करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।